इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू सम यू विल फाइंड अ वे इफ़ यू डोंट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज़ कि अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो उस काम को करने के लिए आप कोई ना कोई तरीका ज़रूर ढूंढेंगे हो सकता है कि उस काम को करने में आपको कुछ चुनौतियाँ कुछ बाधाएँ कुछ रुकावटें कुछ दिक्कतें आ रही हों लेकिन अगर आप फिर भी उस काम को करना चाहते हैं तो आप कोई ना कोई तरीका जो है वो ढूंढ लेंगे और उस काम को कर लेंगे और वहीं अगर आप दूसरी तरफ उस काम को नहीं करना चाहते हैं अगर उस काम को करने की आपकी इच्छा नहीं है आपकी मंशा नहीं है तो आप फिर कोई ना कोई बहाना या कोई एक्सक्यूज़ ढूंढेंगे काम को ना करने का ठीक है तो ये आपके साथ भी कभी कभी होता होगा कि पढ़ाई करने का अगर आपके को मन नहीं है ठीक है इच्छा नहीं है मन नहीं है तो आप कोई ना कोई बहाना ढूंढोगे कि आज ये हो रहा है वो हो रहा है ठीक है यहाँ जाना है या कोई आ गया या ये तकलीफ़ है वो तकलीफ़ है है ना इस तरीके के बहाने आप ढूंढोगे लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो भले ही थोड़ा बहुत कुछ दिक्कतें कुछ तकलीफ़ें आपके साथ आ रही हों आप फिर भी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढोगे और उस काम को कर लोगे तो इसलिए हमेशा हमें एक्सक्यूज़ किसी भी काम को ना करने के बहाने हज़ार हो सकते हैं लेकिन अगर हम उस काम को करना चाहते हैं तो सिर्फ हमें एक रास्ता चाहिए या एक तरीका चाहिए जिससे हम उस काम को कर लें तो आप लोगों के लिए एज़ अ स्टूडेंट्स ये एक इम्पॉर्टेंट uh, कोट है और uh, इस पर अमल करने की कोशिश ज़रूर करें तो हेलो एवरीवन, वन वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है 23 सितंबर 2024 मंडे यानी सोमवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज के न्यूज़ पर चलें उससे पहले आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर और वो ये है कि हमारा जो सी की लाइव क्लासेस का जो बैच था पाँच अक्टूबर का उसका एनरोलमेंट जो है वो बीस तारीख को ख़त्म हुआ था बट हमने एनरोलमेंट की डेट बढ़ा दी है क्योंकि कई सारे लोगों की इस तरीके की डिमांड थी या रिक्वेस्ट थी कि सर हम लोग बीस तारीख तक एनरोल नहीं करा पाए तो थोड़ा सा इसकी एनरोलमेंट डेट को बढ़ाया जाए तो इसलिए एक हफ्ते के लिए एनरोलमेंट डेट को और बढ़ा दिया गया है अब आप लोग 28 सितंबर 2024 तक एनरोल कर सकते हैं तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाके इसकी बाकी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं और साथ ही साथ एनरोल भी कर सकते हैं प्राइजेज़ में अभी भी कोई फ़र्क नहीं है वन ट्रिपल नाइन में ही ठीक है ट्रिपल नाइन में ही आपको ये कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके लिंक देख सकते हैं और वहाँ से डिटेल्स भी देख सकते हैं और एनरोल भी कर सकते हैं अगर चाहें तो बाकी आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं अगर आपको किसी भी तरीके से किसी भी तरीके की हेल्प हो रही है तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सभी लोग आगे आएँ और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें ठीक है सभी लोग करेंगे तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस ये हमारी मदद करेगा और इससे कहीं ना कहीं ये फ़ायदा होगा आप लोगों का कि यूट्यूब पर जो सेशंस हैं वो लंबे समय तक चल पाएंगे तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी लोग यूट्यूब पर इन सेशंस को देखते हैं अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प हो रही है तो प्लीज़ ट्राई टू कंट्रीब्यूट चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं क्या क्या है तो यहाँ पर आपको पता ही है मैंने आपको बताया भी था कुछ दिनों पहले कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं तीन दिवसीय अमेरिकी यात्रा है और उसी दौरान यहाँ पर जो बाइडन का जो होम टाउन है दैट इज़ इन डेलवेर विलमिंगटन वहाँ पर क्वाड की बैठक भी होनी थी ठीक है तो यहाँ पर बेसिकली क्वाड की ही ये मीटिंग है जिसमें आपको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिखाई दे रहे हैं अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथनी ब्लिंकन वो हैं जापान के राष्ट्र जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनी सो ये यहाँ पर क्वाड की मीटिंग पूरी की पूरी जो है इस तरीके से चल रही है अब यहाँ पर क्वाड की मीटिंग के बाद यहाँ पर चाइना को एक सिग्नल देते हुए या चाइना की तरफ इशारा करते हुए ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने कि क्वाड इज़ नॉट अगेंस्ट एनी वन बट हेयर टू स्टे ठीक है क्वाड जो है वो किसी के भी खिलाफ़ नहीं है लेकिन क्वाड जो है वो यहाँ पर रहेगा इस तरीके की बातें यहाँ पर कही गई हैं और इसके बाद मतलब ये जो मीटिंग हुई है इसके बाद एक डिक्लेरेशन आया है उस डिक्लेरेशन में क्या क्या बातें की गई हैं वो हम लोग आगे देखेंगे ठीक है और यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि यू एस हैंड्स बैक टू नाइनटी सेवन स्मगल्ड एंटीक्विटीज़ जो एंटीक्विटीज़ या जो एंटीक आइटम्स भारत से स्मगल हुए थे इस तरीके के दो सौ सतानबे आइटम जो है वो अमेरिका ने भारत को यहाँ पर सौंप दिए हैं साथ ही साथ यहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच में सेमी कंडक्टर को लेकर भी ठीक है सेमी कन्डक्टर चिप्स वगैरह को लेकर भी यहाँ पर जो है वो एग्रीमेंट्स हुए हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद श्रीलंका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे राष्ट्रपति चुनाव थे तो उसमें यहाँ पर एक मार्क्सिस्ट लीडर है जिनका नाम है अनुरा कुमार दिशा नाइके तो ये बेसिकली जो है वो अमेरिका सॉरी श्रीलंका के नए राष्ट्रपति जो है वो बन गए ठीक है ये ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति का नाम दैट इज़ अनुरा कुमार दिसा नाइके ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं मैं आपको बीच बीच में और कौन से आर्टिकल्स हैं वो दिखाता हूँ एक तो मैंने आपको वही बताया है कि जो क्वाड मीटिंग की डिक्लेरेशन हुई है ये वाली इसमें बात करेंगे डिलीवरेबल्स फ्रॉम कॉम्बेटिंग कैंसर टू मेरी सिक्योरिटी ठीक है तो इसमें क्या क्या बातें हुई हैं ये हम देखेंगे इसके बाद यहाँ पर कोई आर्टिकल तो है नहीं हम लोग एक्सप्लेन वाले पेज पर दो आर्टिकल देखेंगे कि कभी जो अर्थ है उसमें भी हो सकता है कि रिंग हो ठीक है जिस तरीके से हमें सेटन में या जुपिटर में देखने को या यूरानस में देखने को मिलती है उस तरीके की रिंग जो है वो हो सकता है कि कभी अर्थ के चारों तरफ भी हो इस तरीके की बात एक स्टडी में सामने आई है तो ये हम देखेंगे है ना इसके बाद एक आर्टिकल बेसिकली हमें यहाँ पर देखना है कि वाई अजहरबैजान्स न्यू क्लाइमेट फंड मे नॉट बी इनफ टू प्लग फाइनेंस गैप इस साल की जो क्लाइमेट चेंज को लेकर कॉप होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ तो कॉप ट्वेंटी नाइन जो है वो अजरबैजान में होनी है उससे पहले अजरबैजान ने प्रपोज़ किया है एक नए तरीके का फंड क्लाइमेट फाइनेंस को टैकल करने के लिए मतलब जो क्लाइमेट चेंज है उसको टैकल करने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर तो उसके बारे में बात करेंगे एक आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करूंगा दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट फिर भी यहाँ पर आर्टिकल में बात की गई है कि प्रो फार्मर टर्न इन एडिबल ऑयल्स की जो खाद्य तेल हैं एडिबल ऑयल्स हैं उनमें सरकार ने दो फैसले लिए हैं और वो दोनों ही फैसले जो हैं इस तरीके के हैं कि किसानों के हित में पहला फैसला तो ये है कि जो ऑयल्स वगैरह हैं उनमें इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है तो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से क्या होगा कि इम्पोर्टेड ऑयल महंगा हो जाएगा और हमारे देश का जो डोमेस्टिक ऑयल है उसकी बिक्री ज़्यादा हो जाएगी ठीक है और दूसरी बात यह है कि कुछ राज्यों को ये परमिट किया गया है कि वो केंद्र की जो एम होती है दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य उस पर सोयाबीन की खरीदी करेंगे तो आर्टिकल को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा एस सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डेटास काफ़ी सारे दिए हुए हैं बट जस्ट एक रीडिंग थोड़ा सा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ठीक है तो बेसिकली ये तीन आर्टिकल हैं जो आज हमें डिस्कस कर रहे हैं तो चलते हैं इन तीनों आर्टिकल को एक एक करके देखते हैं बट आर्टिकल पर जाने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन और लेके आया हूँ और वो ये है कि अगर आप लोग हमारी जो प्रिलिम्स 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है 25 मई के दिन अगले साल उसके लिए अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ में इनरोल करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज़ करेंट अफेयर्स और सी इन तीनों की टेस्ट सीरीज़ अगर आप एक साथ चाहते हैं टोटल 91 टेस्ट आपको मिलते हैं 5300 थाउजेंड मिलते हैं तो इसके लिए आपको एट फोर्टी नाइन रुपीज़ पे करना होगा ओनली ठीक है अगर आप सिर्फ़ जनरल स्टडीज़ और करंट अफ़ेयर्स चाहते हैं तो वो आपको एटी वन टेस्ट फोर्टी फाइव एम सी क्यू सिक्स नाइनटी नाइन में मिल जाता है अगर सिर्फ जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज़ चाहते हैं तो फोर फोर्टी नाइन में मिल जाती है फोर्टी फाइव टेस्ट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड एम सी क्यूज के साथ सिर्फ करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है थर्टी टू टेस्ट सिक्सटीन हंड्रेड एम सी क्यूज टू नाइनटी नाइन में और सिर्फ सी सेट की अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूँ तो इट इज़ अवेलेबल दस फुल लेंथ टेस्ट हैं टोटल आठ हंड्रेड एम सी क्यूज एट हंड्रेड एम सी क्यूज़ हैं ओनली एट टू फोर्टी नाइन रुपीज़ तो इनमें से जिसमें भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द एनरोल आप लोग कर सकते हैं सारे के सारे जो लिंक वगैरह हैं ये आपको हमारे वेबसाइट वगैरह पर मिल जाएंगे वेबसाइट पर और ऐप पर और अगर कोई लिंक आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है नाइन वन फाइव जीरो डबल फोर ट्रिपल नाइन जीरो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ठीक है और एक बात और भी है कि ये सारे के सारे टेस्ट जो हैं वो आपको इंग्लिश में मिलेंगे ठीक है दे आर अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों ही चीज़ें लिखी गई हैं ऑनलाइन का मतलब तो वही है कि आप हमारी वेबसाइट पर अटैम्प्ट कर सकते हैं या ऐप पर अटैम्प्ट कर सकते हैं ऑफ़लाइन का मतलब ये है कि टेस्ट को आप ऑनलाइन अटेम्प्ट करें उससे पहले आपको एक क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया जाता है क्वेश्चन पेपर की पी और ओ शीट की पी तो उसको आप लोग प्रिंट करा के है ना प्रिंट करके और जिस तरीके से आप एग्ज़ाम्स वग़ैरह में रियल एग्ज़ाम में बबल्स वगैरह फिल करके प्रैक्टिस करते हैं तो उस तरीके से भी कर सकते हैं ऑफ़लाइन का मतलब यहाँ पर ये यह नहीं है कि कोई सेंटर होगा आपको वहाँ पर विज़िट करना होगा ऐसा कुछ नहीं है मैंने आपको बता दिया ऑफलाइन का मतलब क्या है कि क्वेश्चन पेपर आपको पी के फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाता है सो so दैट आप उसका प्रिंट वगैरह निकाल लें ओ एम शीट की प्रिंट निकाल लें और बबल्स फिल करने की प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं ठीक है आई होप क्लियर है बात चलिए अब हम लोग अपने आर्टिकल्स पर चलते हैं और जो तीन आर्टिकल्स का मैंने आपके साथ जिक्र किया वो देखते हैं सबसे पहले क्या है तो यहाँ पर लिखा गया है डिलीवरेबल्स फ्रॉम कॉम्बेटिंग कैंसर टू मेरी सिक्योरिटी देखो तो यहाँ पर लिखा गया है जो क्वाड का डिक्लेरेशन है अब क्योंकि ये समिट कहाँ पर हुई थी मैंने आपको बताया दैट इज विल्मिंगटन में तो इसको कहा गया है विलमिंगटन डिक्लेरेशन तो समिट के बाद जो विलमिंगटन डिक्लेरेशन जारी हुआ है उसमें क्या कहा गया है कि क्वाड जो है दैट इज मोर स्ट्रेटेजिकली अलाइंट देन एवर बिफोर कि क्वाड जो है वो आज के समय में जितना पहले कभी नहीं था उससे ज़्यादा स्ट्रेटजिकली अलाइंड है एंड इज़ अ फोर्स फॉर गुड दैट डिलीवर्स रियल पॉजिटिव एंड इंडियोरिंग इम्पैक्ट फॉर द इंडो पैसिफिक और ये एक ऐसा फोर्स है जो गुड प्रोवाइड करता है, है ना फोर्स फॉर गुड जो डिलीवर क्या क्या करता है रियल पॉजिटिव एंड एंड्योरिंगिंग इम्पैक्ट है ना इंडो पैसिफिक के लिए ये रियल पॉजिटिव और इंड्योरिंग इम्पैक्ट लेके आता है अब इस समिट को यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने विल्मिंगटन में होस्ट किया था और इसको अटेंड किया मैंने बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जापान के प्रधानमंत्री फ्यूम्यो किशीदा के द्वारा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्वनीस के द्वारा अब जो अगला फॉरन क्वाड के जो विदेश मंत्री या जो फॉरन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग भी यू में होगी दो में है ना तब तक यू में प्रेसिडेंट जो है वो चेंज हो चुके होंगे और चेंज हो चुके होंगे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बाइडन तो नहीं रहेंगे है न या तो कमला हैरिस होंगी या डोनाल्ड ट्रंप होंगे हु विल बी और क्वाड के लीडर्स की समिट इस तरीके की मतलब जो लीडर्स की समिट हुई है इस तरीके की अगली समिट जो है वो इंडिया में होगी 2025 में ठीक है क्वाड इज हेयर टू स्टे डिक्लेरेशन में ये कहा गया है 2025 में क्वाड के रीजनल पोर्ट्स और ट्रांसपोर्टेशन कॉन्फ्रेंस ये भी इस तरीके की कॉन्फ्रेंस होने की उम्मीद है मुंबई में अगले साल ठीक अब यहाँ पर किन किन पॉइंट्स को लेकर बात की गई है तो सबसे पहला ये लिखा गया है डिक्लेरेशन में कुछ अनाउंसमेंट्स हुए हैं डिक्लेरेशन ने अनाउंस किया है क्वाड कैंसर मून शॉट अब ये क्वाड कैंसर मून शॉट बेसिकली एक ग्राउंड ब्रेकिंग पार्टनरशिप है टू सेव लाइव इन द इंडो पैसिफिक रीजन जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें जान बचाने की लाइव्स को सेव करने की एक पार्टनरशिप है जो इनिशियली किसके ऊपर फोकस करेगा वैसे तो कैंसर को लेकर बात है लेकिन इनिशियली यहाँ पर जो फोकस है दैट विल बी ऑन कॉम्बेटिंग द सर्वाइकल कैंसर ठीक है सबसे पहले यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए फोकस किया जाएगा इसके बाद आगे लिखा है इंडिया ने अपने 10 मिलियन डॉलर का जो कमिटमेंट किया है डब्ल्यू के ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ को लेकर इससे क्या होगा दिस विल ऑफर टेक्निकल असिस्टेंस टू इंटरेस्टेड कंट्रीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन फॉर दी एडोपन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इट्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दैट हेल्प इन कैंसर स्कीनिंग एंड केयर तो जो भी देश जो भी इंटरेस्टेड कंट्रीज है इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाहते हैं कि अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अडोप्ट करें डिप्लॉय करें उनको टेक्निकल असटेंस जो है वो इसके थ्रू प्रोवाइड की जाएगी ठीक है ताकि वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करके कैंसर की स्क्रीनिंग और केयर कर सकते हैं इट ऑल्सो वेलकम द कमिटमेंट फ्रॉम द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन पार्टनरशिप विद गावी विच विल सपोर्ट ऑर्डर ऑफ अप टू फोर्टी मिलियन एच पी वी वैक्सीन डोजेज सब्जेक्ट टू अप्रूवल्स फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन तो यहाँ पर बेसिकली जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इन पार्टनरशिप विद गावी इसको भी यहाँ पर uh, इसके कमिटमेंट को भी वेलकम किया गया है जो कि 40 मिलियन यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि चार करोड़ एस पी वैक्सीन जो है जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन होती है ह्यूमन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन है उसको उसके ऑर्डर्स को सपोर्ट करेगा ठीक है इंडो पैसिफिक रीजन में इसके बाद यूएस का कोस्ट गार्ड जापान का कोस्ट गार्ड ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स और इंडिया का जो कोस्ट गार्ड है इनका प्लान प्लान है कि ये एक फर्स्ट एवर क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन जो है वो लॉन्च करेगा 2025 में और क्यों करेगा ताकि इंटर ऑपरेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके और मेरी सेफ्टी को बढ़ावा दिया जा सके एक नया रीजनल मेरी इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक दैट इज़ बेहतरी इसको भी अनाउंस किया गया है ताकि ये पार्टनर्स को मतलब इस रीजन में इंडो पैसिफिक के रीजन में पार्टनर्स को इनेबल कर सके टू मैक्सिमाइज टूल्स प्रोवाइडेड थ्रू आई पी एम बेसिकली ये होता है आपका इंडो पैसेफिक मैरिटाइम करके कुछ है ये ठीक है एग्जैक्टली मुझे इसका फुल फॉर्म अभी याद नहीं आ रहा है इंडो पैसेफिक मैरिटाइम कुछ है ये इस तरीके का देख लीजिएगा एक बार एंड अदर क्वाड पार्टनर इनिशियेटिव मतलब इन इनिशियटिव के थ्रू जो टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं उनको मैक्सिमाइज किया जा सके है ना उनके यूज़ को टू मॉनिटर एंड सिक्योर देयर वॉटर्स ठीक है वो अपने जो वॉटर वाला एरिया है उसको मॉनिटर कर सकें उसको सिक्योर कर सकें अपने कानूनों को वहाँ पर लागू कर सकें और जो भी अनफुल अनलॉफुल बिहेवियर है उसको डिटर कर सकें मतलब उसको डरा सकें ठीक है इंडिया विल होस्ट द इनाग्रल मैत्री वर्कशॉप इन 2025 सो तो दो में इस तरीके की मैत्री वर्कशॉप जो पहली मैत्री वर्कशॉप होगी उसको भारत जो है वो होस्ट करेगा लॉन्च ऑफ क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट को भी अनाउंस किया गया है अब दिस विल परस्यू द शेयर शेयर एयरलिफ्ट कैपेसिटी अमंग अवर नेशंस एंड लीवरेज अवर कलेक्टिव लॉजिस्टिक स्ट्रेंथ्स इन ऑर्डर to सपोर्ट सिविलियन response to नेचुरल डिजास्टर्स मोर rapidly एंड efficiently कि कभी अगर मान लीजिए कोई नेचुरल डिजास्टर्स या प्राकृतिक आपदा आती है ऐसे समय पर जब सिविलियंस को एयरलिफ्ट करना होता है है ना या उनको किसी तरीके की लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है तो उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं ठीक है एयरलिफ्ट कैपेसिटी जो शेयर्ड मतलब सारे देशों की मिलकर जो एयरलिफ्ट कैपेसिटी है उसका ये यूज़ करेंगे और कलेक्टिव लॉजिस्टिक स्ट्रेंथ का यूज़ करेंगे ताकि नेचुरल डिजास्टर के समय सिविलियंस को जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा रैपिड जल्दी से और एफिशिएंट तरीके से मिल पाए इसके बाद क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप भी अनाउंस की गई है जो कि क्वाड की एक्सपर्टीज का यूज करेंगे टू सपोर्ट सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अक्रॉस द इंडो पैसिफिक ठीक है इंडो पैसिफिक के अराउंड जो है वो रेजिलियट और सस्टेनेबल पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट किया जाएगा और उसके लिए क्वाड देशों की जो एक्सपर्टीज है उसका यूज़ करेंगे और इसको बोला गया है क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप ठीक है इसके बाद यहाँ पर यह भी कहा गया है कि वी विल रिफॉर्म द यू सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद है उसमें भी बदलाव या उसमें भी कुछ सुधार किए जाएंगे रिकग्नाइजिंग द अर्जेंट नीड टू मेक इट मोर रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूसिव ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट, इफेक्टिव डेमोक्रेटिक एंड अकाउंटेबल थ्रू एक्सपेंशन इन परमानेंट एंड नॉन परमानेंट कैटेगरीज ऑफ मेंबरशिप ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो इसमें यह कहा गया है कि यू की सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म किया जाएगा और इस बात की अर्जेंट नीड को समझते हुए कि इसको और ज़्यादा रिप्रजेंटेटिव बनाना है है न मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देशों का इसमें रिप्रजेंटेशन होना चाहिए यह इंक्लूसिव होनी चाहिए ठीक है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ज्यादा एफिशिएंट ज्यादा इफेक्टिव डेमोक्रेटिक और अकाउंटेबल अब ये सब चीजें कैसे की जाएंगी कि इसकी जो परमानेंट और नॉन परमानेंट कैटेगरीज होती हैं मेम्बरशिप की उसको और ज्यादा एक्सपेंड किया जाएगा ऐसा कहा गया है दिस एक्सपेंशन ऑफ परमानेंट सीट शुड इंक्लूड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अफ्रीका एशिया लेटिन अमेरिका एंड द करेबियन इन अ रिफॉर्म सिक्योरिटी काउंसिल तो इसमें यह भी कहा गया है कि ये जो सीट्स का परमानेंट सीट्स का जो एक्सपेंशन है क्योंकि अभी तो सिर्फ पाँच ही है परमानेंट पी फाइव जो है है ना तो इसका एक्सपेंशन जो है उसमें कई सारे ऐसे रीजनज हैं जैसे अफ्रीका हो गया एशिया हो गया लेटिन अमेरिका हो गया और कैरेबियन इनका रिप्रजेंटेशन जो है वो बढ़ना चाहिए ऐसा इन्होंने कहा है इस मतलब डिक्लेरेशन में ये तरीके की बात हुई है ठीक है तो आई होप समझ गए आप बात कि इस डिक्लेरेशन में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं ठीक है कैंसर से लड़ने से लेकर मेरी सिक्योरिटी तक की बातें की गई हैं क्लियर हो गई चलो आगे बढ़े नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मैंने आपको बताया कि अर्थ में वंस हैव हैड अ रिंग कंप्राइजिंग एस्टोरॉय डेबरेस अभी क्या कह रहा है देखो शुरुआत तो ये कह रहा है कि द रिंग्स ऑफ सेटन आर पर मोस्ट स्टनिंग फीचर ऑफ सोलर सिस्टम कि हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा स्टनिंग या सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं सुंदर दिखने वाली जो चीज़ है वो क्या है सेटन ऑफ सेटन के रिंग्स है ना लेकिन कभी अर्थ में भी इस तरीके के रिंग हुए हो सकते हैं जिस तरीके के रिंग्स आज सेटन में है ऐसा एक स्टडी पब्लिश हुई है इस मंथ की शुरुआत में इन द जनरल अर्थ एंड प्लेनिटरी साइंस लेटर्स उसमें ये बात कही गई है अब इसमें कहा गया है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ रिंग फॉर्मिंग अराउंड मिलियन ईयर्स अगो परसिस्टिंग फॉर टेंस ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स कूड एक्सप्लेन सेवरल पर्जल्स इन अवर प्लान पास तो बेसिकली जिन्होंने ये रिसर्च की है ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने उनका ये कहना है कि इस तरीके की रिंग का जो फॉर्मेशन है जो एग्जिस्टेंस है जो लगभग आज से चार मिलियन ईयर्स अगो बनी होगी और कुछ टेंस ऑफ मिलियन ईयर्स अगो तक रही होगी ये हमारे प्लेनेट का जो पास्ट है मतलब हमारे अर्थ का जो पास्ट रहा है उसको लेकर कई सारी जो पहेलियां हैं उनको ये समझा सकता है ठीक है अब एस्टोरॉल डेबरिस की अगर हम बात करें तो अर्थ रिंग वुड हैव बीन लाइक द रिंग सीन टुडे ठीक है अर्थ की रिंग उसी तरीके की रिंग हो सकती है जैसी आज के समय में जुपिटर सेटन नेपच्यून या यूनस में देखने को मिलती है इट फॉर्म्ड व्हेन एन एस्टोरायड पास टू क्लोज टू द अर्थ और ये कैसे बनी होगी कि कोई एस्टोरॉइड जो है वो अर्थ के बहुत नजदीक से पास हुआ उसकी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ऐसे पॉइंट तक स्ट्रेच हुआ कि वो टूट गया ठीक है कुछ छोटे टुकड़े हुए कुछ बड़े टुकड़े हुए लेकिन वो टूट गया एंड दीस पीसेस जॉसल्ड अराउंड एंड ग्रेजुअली इवॉल्व इन टू अ लेडन रिंग ऑर्बिटिंग अर्थ सिक्वेटर और ये जो टुकड़े हुए कुछ छोटे पीसेस थे कुछ बड़े पीसेस थे दे जॉसल्ड अराउंड जॉसल्ड अराउंड का मतलब होता है कि एक दूसरे को पुश करना ठीक है धक्का मुक्की तरीके की करना और ऐसा करने में ये डेब्रिस इनका डेब्रिस बना और डेब्रिज की वजह से जो है वो रिंग बन गई और ये अर्थ के इक्वेटर के अराउंड जो है इस तरीके की रिंग ऑर्बिट करने लगी ऐसा यहाँ पर कहा गया हाउ एवर ओवर टाइम द मटीरियल फ्रॉम द रिंग वॉज पुल्ड टूवर्ड्स अर्थ वंस अगेन कट सी ग्रेविटी अब लेकिन जो ये एस्टोराइट डेब्रिस की जो रिंग थी इक्वेटर के अराउंड थोड़े समय के बाद ये इस रिंग का जो मटीरियल है वो ग्रेविट अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वापस अंदर पुल होने लगे है ना और मोस्ट ऑफ द स्मॉलर पीसेस वुड हैव बीन बर्नड इन द्लैनिट्स एटमोसफेयर द लार्जर पीसेज वुड हैव फॉर्म्ड इम्पैक्ट क्रेटर्स ऑन अर्थ सरफेस क्लोज टू द इक्वेटर अब जब वो छोटे पीसेज और बड़े पीसेज उस डेबरेज में सब थे तो जब वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अर्थ की तरफ को खिंचने लगे तो हो सकता है कि जो छोटे पीसेस हो वो अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर करते समय वो जल गए बर्न टप हो गए और जो बड़े पीसेस थे वो अर्थ के सरफेस पर पड़े उनके ऊपर मतलब उन्होंने इम्पैक्ट किया और किसी तरीके का क्रेटर्स जो हैं वो बनाए ठीक है और ये क्रेटर्स बेसिकली अर्थ के इक्वेटर इक्वेटर के नज़दीक जो हैं वो बने हैं इट इज़ दीज इम्पैक्ट क्रेटर्स दैट लेड द मोनाश साइंटिस्ट मोनाश बेसिकली वही यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी जिसके साइंटिस्ट ने या एक्सपेरिमेंट किया है मतलब ये स्टडी में बात लिखी है तो इनका कहना है कि इट इज दीज इम्पैक्ट क्रिएटर्स साइंटिस्ट टू डिस्कवर द एग्जिस्टेंस ऑफ रिंग अराउंड द अर्थ तो यही वो इम्पैक्ट क्रिएटर्स हैं जिसकी वजह से जो ये साइंटिस्ट हैं वो इस तरीके की रिंग की बात करते हैं कि अर्थ के चारों तरफ भी ऐसी कभी रिंग हुई होगी अब इन्होंने 21 क्रेटर्स का जो लगभग चार मिलियन से लेकर चार सौ मिलियन पुराने हैं ऑर्डोविशियन पीरियड के उनका इन्होंने एनालिसिस किया है और ये कहा है कि जो इम्पैक्ट्स हैं सारे के सारे वो अर्थ के नज़दीक सॉरी इक्वेटर के नज़दीक है अब अगर कोई नॉर्मल सरकमस्टेंसेज होती हैं कोई नॉर्मल हालात होते हैं तो जो एस्टोरॉयड अर्थ को हिट कर रहे हैं वो किसी भी लैटीट्यूड पर कर सकते हैं ज़रूरी तो है नहीं कि वो सिर्फ़ इक्वेटर के पास ही हिट करें ठीक है वो कहीं पर भी हिट कर सकते हैं जैसे कि हमने मार्स पे मून पे मरकरी पे देखा है कि उन पर जो एस्टोरॉय हिट करते हैं वो किसी भी लेटीट्यूड पर कर सकते हैं आ, तो इसीलिए कहा गया है कि इट इज़ एक्सट्रीमली अनलाइकली दैट ऑल ट्वेंटी वन क्रिएटर्स फ्रॉम दिस पीरियड वुड फॉर्म क्लोज टू द इक्वेटर इफ दे आर अनिलेटेड टू वन अनदर तो अगर ये जो इक्कीस क्रिएटर्स बने हैं इस पीरियड के दौरान अगर ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है अगर इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है ठीक है कोई रिलेशन कोई संबंध नहीं है तो ऐसा बड़ा अनलाइकली है कि ये सारे के सारे इक्वेटर के नज़दीक ही क्यों क्रेटर्स बने हैं कहीं भी बन सकते थे ऊपर नीचे किसी भी लेटीट्यूड पर पर ऐसा नहीं हुआ है है ना तो इसलिए यहीं से इन्होंने थोड़ा सा ये आइडिया लगाने की कोशिश की है कि ये इक्वेटर के अराउंड बने हैं तो ये कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कोई रिंग रही हो अब इसके बाद बात कर रहे हैं जॉइंट पैरासोल ये क्या है देखो अ रिंग ओवर अर्थ इक्वेटर वुड हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द प्लेनेट इन मोर वेज देन वन यानी कि अगर अर्थ के ऊपर अर्थ के इक्वेटर के ऊपर अगर कोई रिंग रही हो तो इसका असर हमारे धरती के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़े पड़ा होगा कैसे देखो क्रूशली द एक्जल टिल्ट ऑफ अर्थ रिलेटिव टू द सन वुड मीन दैट सच अ रिंग वुड शेड विंटर हेमस्फेयर ऑफ द प्लानट कि अब हमारा अर्थ जो है वो आपको पता है कि वो एक मतलब स्ट्रेट एक्सेस पर तो है नहीं उसकी एक्सेस टिल्टेड है टिल्टेड होने की वजह से ही एक हेमस्फेयर जो है वो किसी समय पर टूवर्ड्स द सन होता है और किसी समय पर अवे फ्रॉम द सन होता है है ना तभी तो विंटर्स और समर्स होते हैं तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इस तरीके की जो रिंग है वो विंटर हेमस्फेयर को शेड कर देगी विंटर हेमस्फेयर को शेड कर देगी का मतलब है कि विंटर्स जो है वो और ज़्यादा ठंडे होने लग जाएंगे और सोलर फ्लक्स को बढ़ा देगी सोलर फ्लक्स का मतलब है कि कितने अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जो अर्थ पर पहुंच रही है उसको बढ़ा देगी जो समर हेमिसफेयर्स है मतलब वो हेमिसफेयर जो टूवर्ड्स दी अर्थ है सॉरी दी सन है उसमें तो इसका मतलब क्या है कि विंटर कूलिंग जो है वो बढ़ जाएगी और समर हीटिंग जो है वो भी बढ़ जाएगी ओवरऑल द साइंटिस्ट थ्योराइज्ड दैट अ रिंग वुड लेड टू अ ग्लोबल कूलिंग बाय इफेक्टिवली एक्टिंग एज अ जॉइंट पैरासोल तो साइंटिस्ट का यहाँ पर यह कहना है साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी है कि यार रिंग कि अगर कोई ऐसी रिंग होगी तो ये रिंग जो है वो ग्लोबल कूलिंग करेगी मतलब उससे पूरे के पूरे धरती पर जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा और ये एक जॉइंट पैरासोल की तरह काम करेगी पैरासोल इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ एन अम्बरेला आप अम्बरेला कह सकते हैं ठीक है आप कभी कभी होता है ना कि जब बहुत तेज़ धूप होती है तो बाहर निकलते हैं तो अम्ब्रेले का यूज़ करते हैं ठीक है तो उस तरीके की ये बात कर रहे हैं तो इंटरेस्टिंगली जिस पीरियड में ये रिंग एग्जिस्ट करती थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक कूलिंग जो है वो देखी गई है लगभग 460 से चार मिलियन एयर अगो यहाँ पर अर्थ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ काफ़ी ज़्यादा कम हुआ 445 मिलियन अगो थ जो है वो अपने हिरनेशियन आइस एज के पीक पर थी यानी कि जो कोल्डेस्ट पीरियड था इन द पास्ट हाफ अ बिलियन ईयरस उसमें तो ऐसा हो भी सकता है कि जो ये थ्योरी हो ये पूरी की पूरी इस तरीके से सही हो है ना क्योंकि इन्होंने ये बात भी प्रूफ कर दी कि अगर मान लीजिए इस तरीके की को कोई रिंग होती तो टेम्परेचर कम होता और उन्होंने ये भी कहा कि जिस समय पर ये क्रिटर्स पाए गए हैं है ना उसी समय की ये रिंग बाधी जा रही है कि उसी समय की रिंग होगी उसी उस समय क्रिटर्स बने तो उसी टाइम पर इन्होंने ये कहा है कि अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी भी थी ठीक है वो अपने आईस एज के पीक पर थी तो ऐसा हो सकता है कि उस समय पर ही ये इस तरीके के रिंग्स वगैरह जो है वो एग्जिस्ट वाकई में करते हो ठीक है तो साइंटिस्ट ने जो है वो बैक एंड फोर्थ की थ्योरी लगा के मतलब आगे पीछे की बातें कनेक्ट करके ये बात अपनी थ्योरिटिकली बताई है ठीक है आई होप क्लियर है बात समझ गए आप ठीक है साइंस एंड टेक में आप इस टॉपिक को लेंगे इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं दैट इज ऑन पेज नंबर ये जो एक्सप्लेन वाला ही पेज है इसमें एक आर्टिकल और देखना है कि वाई अजहरबेजांस न्यू क्लाइमेट फंड मे नॉट बी इनफ टू प्लग द फाइनेंस गैप ठीक है अब ये क्या मामला है देखो मैंने आपको बताया कि इस साल का जो क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस होगी दैट इज कॉप ट्वेंटी नाइन उसको होस्ट करने वाला देश कौन सा है दैट इज अजरबैजान ठीक अजरबैजान ने प्रपोज किया है एक नया क्लाइमेट फंड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज क्योंकि ये जो क्लाइमेट फाइनेंस है इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए फ़ंड की व्यवस्था करना तो यहाँ पर इसने प्रपोज किया है एक नया क्लाइमेट फंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये फंड बेसिकली कहाँ से आएगा वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशंस, ठीक है मतलब अपनी इच्छा से जो फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस करने वाले देश हैं और जो फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज हैं वो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन करेंगे तो वहाँ से ये पैसा आएगा इस फंड में ठीक है ऐसा इसने प्रपोज किया है अब अजरबैजान का प्रपोजल जो है वो ऐसे समय पर आता है जब क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर क्लाइमेट फाइनेंस एग्रीमेंट को लेकर जो नेगोशिएशन है उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही है अब इस फाइनेंस एग्रीमेंट को फाइनलाइज करना ये मेन एजेंडा है बिफोर कॉप ट्वेंटी नाइन क्योंकि कॉप ट्वेंटी नाइन जो है वो लगभग आप कह सकते हैं कि आज से डेढ़ पौने दो महीने के बाद नवंबर 11 -22 से 22 के बीच में होने वाली है अजरबैजान की राजधानी जो है दैट इज बाकू में अब द एग्रीमेंट इज सपोज तो टू इंक्लूड अ डिसीजन ऑन द अमाउंट ऑफ मनी दैट डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट बी आज टू रेज इन दोस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव पीरियड टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज फाइट क्लाइमेट चेंज तो इस एग्रीमेंट <सथह> की अगर हम बात करें कि इस एग्रीमेंट को फाइनल होना है तो इसमें बेसिकली वही है कि कितना अमाउंट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ को देना है 2025 के बाद डेवलपिंग कंट्रीज़ को ताकि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें जो रिच और इंडस्ट्रलाइज कंट्रीज़ हैं अभी उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि उनको हर साल कम से कम 100 बिलियन डॉलर जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को देना है ये तो हमने बहुत बार पहले भी डिस्कस किया है, है ना जो पेरिस एग्रीमेंट है वो हालांकि ये कहता है कि इस अमाउंट को क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट में ये बातें की गई थी उससे पुरानी बात है वैसे ये लेकिन पेरिस एग्रीमेंट में जो है वो ये ज़रूर कहा गया कि 2025 के बाद और उसके बाद हर पाँच साल के बाद इस अमाउंट को जो है वो बढ़ाया जाना है ऐसा पेरिस एग्रीमेंट में लिखा गया है अब जो नया फंड प्रपोज किया गया है अज़रबैजान के द्वारा हालांकि उसके पीछे जो इंटेंशन है वो बहुत अच्छी है लेकिन इससे कुछ बहुत खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो क्लाइमेट फाइनेंस की अवेलेबिलिटी है उसको लेकर बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वॉल्ट्री उन्होंने कहा है कि ये वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन होगा फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ और कंपनीज के द्वारा तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि कोई वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन इसमें आए ठीक है इसके बाद फाइनेंस को लेकर अगर एग्रीमेंट की हम बात करें तो नेगोशिएशंस ऑन द एग्रीमेंट हैव बीन ऑन गोइंग फॉर मंथ्स तो एग्रीमेंट को लेकर जो बातचीत है या नेगोशिएशंस है वो पिछले कई महीनों से चल रहे हैं आइडिया ये नहीं है कि जो 100 बिलियन की फिगर है इसको किसी बड़े अमाउंट के साथ रिप्लेस कर दिया जाए लेकिन यह है कि फाइन बट टू फाइनलाइज अ मोर कॉम्प्रीहेंसिव एग्रीमेंट दैट वुड ब्रिंग क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी टू फाइनेंशियल फ्लोज फॉर क्लाइमेट एक्शन लेकिन एक ऐसे कॉम्प्रीहेंसिव एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने की बात है यहाँ पर कि जो ज़्यादा क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी लेके आए फाइनेंशियल फ्लोज में है ना क्लाइमेट एक्शन के लिए जो फाइनेंशियल फ्लोज हैं कि कहाँ से पैसा आएगा कितना आएगा उन सब चीज़ों को लेकर एक क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट फाइनलाइज होना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं कि सिर्फ जो वो सौ बिलियन डॉलर्स की फिगर है उसको बढ़ा दिया जाए करेंटली देयर आर स्ट्रांग डिफरेंसेज ओवर इवन द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस तो क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर भी क्लाइमेट फाइनेंस के डेफिनेशन को लेकर भी कई सारे जो हैं वो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन मतभेद जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो कई बार कंप्लेन करते हैं डबल अकाउंटिंग और इनोवेटिव अकाउंटिंग का और उनका ये कहना है कि जो पैसा एक्चुअल में क्लाइमेट एक्शन के लिए फ्लो हो रहा है वो सिग्निफिकेंटली लोअर है देन द क्लेम्स मेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज़ कि जितना डेवलप्ड कंट्रीज क्लेम करते हैं उससे एक्चुअल में जो पैसा फ्लो हो रहा है वो बहुत कम है इसके बाद दूसरा जो कंप्लेंट है दैट इज़ रिलेट टू नेगलेक्ट ऑफ अडेप्टन एक्टिविटीज कि अडेप्टशन एक्टिविटीज़ को निग्लेक्ट किया जाता है ज़्यादातर जो क्लाइमेट फाइनेंस फ्लोज हैं वो मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स की तरफ वो पैसा जाता है द वंस दैट लीड टू एमिशन रिडक्शन ठीक है मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें एमिशन के रिडक्शन को लेकर काम किया जाता है क्योंकि मिटिगेशन जो है वो ग्लोबल डिविडेंड्स उसके मिलते हैं ठीक है उसका फ़ायदा जो है वो ग्लोबली मिलता है कि अगर एमिशन का रिडक्शन दुनिया में कहीं भी होता है तो इससे पूरी एंटायर बेनिफिट एंटायर प्लानट को फ़ायदा होता है वहीं अगर हम बात करें अडेप्टेसन की तो अडेप्टेसन के जो बेनिफिट्स हैं वो लोकल है ठीक है डोनर कंट्रीज जो हैं दे आर लेस इंक्लाइन टू इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट्स दैट ओनली बेनिफिट द रेसिपियन मतलब वही हो गया कि जो डोनर कंट्रीज़ हैं वो इस तरीकों को कम इंक्लाइन है कि वो सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जिससे सिर्फ रेसिपियंट्स को फायदा हो रहा है मतलब जिससे सिर्फ अडेप्टेस की इसको फायदा हो रहा है वो उसमें कम पैसा डालना चाहते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज हैव बीन डिमांडिंग दैट दैटेशन शुड रिसीव एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ द क्लाइमेट फाइनेंस लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज का ये कहना है कि उनको अडेप्टन के लिए भी पैसा चाहिए तो क्लाइमेट फाइनेंस का जो पचास परसेंट है वो अडेप्टन को मिलना चाहिए मच मोर देन दैस दैन ट्वेंटी परसेंट दैट इज गोफार और अभी तक सिर्फ उसमें बीस परसेंट पैसा जो है वो जा रहा है और एब्सोल्यूट टर्म्स में पिछले कुछ सालों में पिछले कपल ऑफ ईयर्स में ये अमाउंट जो है वो और भी कम हो गया है ऐसा दो हज़ार तेईस की एक यू एन की रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर बताती है इसके बाद आगे लिखा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द फाइनेंस एग्रीमेंट हाउ एवर इज अ डिसीजन ऑन द न्यू क्वान्टेट फाइनेंस ओवर एंड अब दंड्रेड बिलियन डॉलर फिगर ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्लाइमेट फाइनेंस का यही है कि जो क्लाइमेट फाइनेंस का नया क्वांटम होगा ठीक है सौ बिलियन डॉलर से ज्यादा का उसको लेकर कई सारे असेसमेंट ये बताते हैं कि द मनी रिक्वायर्ड फॉर क्लाइमेट एक्शन नाव रन एन टू ऑफ डॉलर एवरी ईयर अब बिलियंस ऑफ डॉलर से कुछ नहीं होगा अब हर साल जो है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए क्लाइमेट एक्शन से लड़ने के लिए क्लाइमेट एक्शन के लिए या क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ऐसा कई सारे असेसमेंट्स में बातें सामने आई हैं एक रिवाइज अमाउंट है जिसको कहा गया है न्यू क्यूमलेटिव क्वान्टिटेटिव गोल ऑन फाइनेंस दैट इज एन मस्ट रिफ्लेक्ट दिस चेंज रियलिटी तो इस ये जो नया फंड यहाँ पर इन्होंने बात की है या न्यू क्यूमलेटिव क्वांटिटेटिव गोल की बात की है उसमें ये रियलिटी जो है वो दिखनी चाहिए कई सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया इन्होंने एन अमाउंट का फॉर्मल प्रपोज़ल दिया है और इसमें ये कहा है कि एक ट्रिलियन से लेकर 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स तक की ज़रूरत है एनुअली जो कि जो ओ कंट्रीज़ हैं उनके जीडीपी का उनके सारे देशों की अगर जीडीपी डी मिलाएं तो उसका डेढ़ परसेंट के आसपास बैठता है मोस्ट ऑफ विच आर पार्ट ऑफ द ग्रुप दैट आर ऑब्लीगेटेड टू प्रोवाइड क्लाइमेट फाइनेंस और ये ऐसे देश हैं जिनमें से ज़्यादातर इस बात का इस ग्रुप का हिस्सा हैं जो कि क्लाइमेट फाइनेंस के लिए पैसा देना जिनके ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं ठीक है जिनकी जिम्मेदारी है लेकिन जो देश हैं वो सौ बिलियन के टारगेट को भी पूरा नहीं कर पाए हैं ठीक है ठीके? तो जो सौ बिलियन के टारगेट को पूरा नहीं कर पाया है आप उससे क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो और ज्यादा पैसा देगा तो एज अ रिजल्ट लिटिल प्रोग्रेस हैज बीन मेड ऑन वर्किंग आउट द कंटूर्स ऑफ द फाइनेंस एग्रीमेंट तो फाइनेंस एग्रीमेंट का क्या कंटूर होगा क्या इसका डोमेन होगा क्या बाउंड्रीज होंगी क्या दायरा होगा उसको लेकर कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है या आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उसको लेकर कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई है अभी तक ठीक है इसके बाद आगे लिखा गया है एक्सपेंडिंग द डोनर बेस अब जिस समय ये क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो असाइन की गई थी यूनाइटेड नेशंस के यूनाइटेड नेशन का जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यू एन एफ ट्रिपल सी है अर्ली नाइन्टीज़ में जब उसने इस तरीके की जिम्मेदारियां सौंपी थी है ना कि कई सारे देशों ने ये पैसा देना है तो उस समय बहुत सारे देश जो हैं वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हुआ करते थे लेकिन आज के समय में वो लार्ज इकोनॉमीज़ बन गए हैं और उनकी इकोनॉमीज़ भी काफ़ी हाई हो चुकी हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ये आर्ग्यू करते हैं कि इन देशों से भी जो है वो कंट्रीब्यूशन लिया जाना चाहिए जैसे चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी सेकेंड नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है ठीक है वहीं अगर हम साउथ कोरिया की बात करें या जो ऑयल रिच गल्फ़ नेशन है जैसे सऊदी अरेबियन कतार इनके ऊपर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है ठीक है कि इनको कुछ भी कंट्रीब्यूट करना है क्योंकि उस समय जिस समय ये नाइनटीन में ये ऑब्लीगेशन लगाए गए थे देशों के ऊपर तो उस समय ये देश उतने ज़्यादा प्रॉस्परस नहीं थे लेकिन आज की डेट में है तो इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज़ का कहना है कि इन देशों को भी ऑब्लिगेट करना चाहिए या इनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ये भी कंट्रीब्यूट करें अब द डिमांड फॉर एक्सपेंडिंग द डोनर बेस इज नॉट विदाउट मेरिट बट इट इज़ अ सेपरेट डिस्कशन ठीक है अब ऑब्वियसली बात है कि ये जो डोनर बेस बढ़ाने की बात हो रही है इसके पीछे कुछ ना कुछ मेरिट तो है लेकिन ये एक अलग डिस्कशन है मोर ओवर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने अपने खुद के ऑब्लीगेशन पूरे नहीं किए हैं आइदर रिलेटिंग टू एमिशन रिडक्शन और फाइनेंस ना तो वो एमिशंस को रिड्यूस करते हैं है ना जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और ना ही वो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन्होंने अपना जो ये सौ बिलियन डॉलर का जो कमिटमेंट था वो भी किसी साल पूरा नहीं किया है अ फिगर दैट दे हैड प्रपोज विदाउट एनी डिस्कशन और नीड असेसमेंट ठीक है ये अमाउंट इन्होंने कोई डिस्कशन या उसके थ्रू तो डिसाइड किया नहीं था बट फिर भी ये सौ बिलियन डॉलर का कमिटमेंट इन्होंने कभी भी पूरा नहीं किया है द आर्ग्यूमेंट फॉर एक्सपेंडिंग द डोनर बेस इज देयर फोर सिबिलिटीज अंडर द इंटरनेशनल क्लाइमेट फ्रेमवर्क तो यही जो ये आर्ग्यूमेंट है डोनर बेस को एक्सपेंड करने का सिर्फ इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि खुद की जो जिम्मेदारियां हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अंडर इंटरनेशनल क्लाइमेट फ्रेमवर्क उससे बचा जा सके उससे इस्केप किया जा सके अब जो ये अजहरबैजान का फंड है अजहरबैजान ने जो फंड प्रपोज किया है सपोज टू बी फाइनेंस्ड बाई ऑइल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन वही मैंने आपको बताया जो फॉसलफ्यूल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं कंट्रीज हैं यह पैसा वहां से आना है लेकिन वॉलेंट्री मैनर पर मतलब तो उनकी इच्छा है जितना पैसा देना चाहे दें दे, ना देना चाहे ना दें उस तरीके से अब इसमें दिस हैज रेज क्वेश्चन ओवर दफ मनीट कैन अट्रैक्ट एज इवन फंड ऑब्लीगेटेड टू कंट्रीब्यूट एव रिमेन अंडर कैपिटलाइज तो यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि इससे कितना पैसा आ सकता है क्योंकि जब देशों को एक टारगेट दिया गया है या एक मतलब अमाउंट बताई गई है कि उनको हर साल 100 बिलियन डॉलर देना है ठीक है इतना उनके ऊपर ऑब्लिगेशन हैं बट वो उसको भी नहीं दे रहे तो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन से कितना ही पैसा आएगा है ना तो ये यह यहाँ पर एक सवाल उठा है जैसे लॉस एंड डैमेज फंड जो कॉप ट्वेंटी में बना था प ट्वेंटी सेवन में बना था इजिप्ट में 2022 में है ना कई सालों के नेगोशिएशन के बाद इसमें भी सिर्फ अभी तक 600 से 700 मिलियन डॉलर फंड जो है वो आया है अजरबैजान का फंड अगर बन जाता है ये जो अजरबैजान वाला फंड है अगर ये बन जाता है तो इसका स्टेटस भी वुड नॉट हैव द सेम स्टेटस इसका स्टेटस जो है वो थोड़ा सा अलग होगा इट हैज़ नॉट कम थ्रू नेगोशियेशन बट एट द इनिशियेटिव ऑफ अ होस्ट कंट्री ठीक है ये किसी इनिशिएटिव मतलब ये किसी नेगोशिएशन के थ्रू नहीं आ रहा है ये जो फंड है इसको होस्ट कंट्री ने इनिशिएट किया है प्राइमरीली इट इज़ एन एफर्ट टूवर्ड्स मेकिंग द सी ओ पी आउटकम्स या कॉप आउटकम्स मोर मीटी मीटी का मतलब होता है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग कह सकते हैं और ज़्यादा मीनिंगफुल कह सकते हैं क्योंकि इसका एफर्ट यही है कि कॉप के आउटकम्स को और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाया जाए और लिविंग अ लेगेसी और अपनी एक लेगेसी छोड़ी जाए जैसे कि इस तरीके के इनिशिएटिव्स जो प्रीवियस कॉप प्रेसिडेंसीज ने किए हैं उस तरीके से ठीक है एक मिनट रुकेगा तो सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन हाँ तो मैं क्या कह रहा था समझ गया आप बात को कि बेसिकली पहली बात तो ये है कि ये जो फंड है अगर ये बन जाता है ठीक है तो ये किसी नेगोशिएशंस के थ्रू नहीं बन रहा है ठीक है ये होस्ट कंट्री के इनिशिएटिव के थ्रू बन रहा है पहली बात अगर बनेगा तो ठीक है और दूसरी बात ये है कि इसका ये जो एक एफर्ट है वो ये है कि कॉप के आउटकम को और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाया जाए क्योंकि कॉप का जब आउटकम आएगा कि कॉप ट्वेंटी नाइन के क्या आउटकम्स आए या क्या परिणाम आए तो उसमें ये भी लिखा जाएगा है ना उसमें एक बात ये भी होगी कि इस तरीके का फंड बनाया गया और दूसरी बात ये है कि ये एक लीगेसी छोड़ने वाली बात है अपनी एक विरासत छोड़ने वाली बात है क्योंकि होता ये है कि जैसे जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि इजिप्ट में जो कॉप ट्वेंटी सेवन हुई थी 2022 में उसमें यह कहा गया कि लॉस एंड डैमेज फंड बना तो ये बेसिकली उस कॉप की एक लीगसी हो गई है ना कि उस कॉप में ये चीज़ बनी तो यहाँ पर अगर इस तरीके का फंड बनता है तो फिर ये इस कॉप की लीगेसी हो जाएगी तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर लिखी है अब आने वाले समय में खासकर अगले दो तीन महीने तक जब तक ये कॉप होगी फिर इसके आउटकम्स आएंगे फिर उसके ऊपर डिस्कशन होगा तो ये चीज़ें चलती रहेंगी ठीक है ये जो बेसिकली समय होता है अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर तक का उस समय ये क्लाइमेट एक्शन को लेकर क्लाइमेट फाइनेंस या क्लाइमेट चेंज को लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी आएंगे और काफ़ी सारा डिस्कशंस भी होगा ठीक है और खासकर नवंबर के महीने में तो कॉप होगी ही फिर उस समय भी ये चीज़ें आएंगी ठीक है चलिए तो फिलहाल आई होप आपको ये जो आर्टिकल था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो समझ में आ गया होगा चलिए तो यही आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे तो इसलिए हम सेशन को फिर इतना ही रखते हैं और जाने से पहले मैंने आपको ये टेस्ट सीरीज़ वगैरह के बारे में तो बता ही दिया है आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर एनरोल इसमें कर सकते हैं ठीक है और जल्द से जल्द एनरोल कर लें क्योंकि ये प्राइज़ जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए लिमिटेड टाइम के लिए रहते हैं क्योंकि जैसे जैसे एनरोलमेंट बढ़ता जाएगा तो इसमें प्राइस वग़ैरह जो है वो भी राइज़ करेंगे तो इसलिए बेटर ये है कि आप में से जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द एनरोल कर लें ठीक और आप में से जो भी लोग हमारे आइना सीरीज़ की मंथली कम्पाइल्ड पी लेना चाहते हैं तो उन सब के पास ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं अगर आप मंथली लेना चाहते हैं तो एट लेस देन रुपीज़ टू पर डे में आपको मिल जाती है ओनली एट रुपीज़ फिफ्टी नाइन ठीक है और जून जुलाई अगस्त इस तरीके की लॉन्च हो चुकी हैं सितंबर की अब अगले महीने आएगी और बाकी अगर आप लोग कंपाइलेशंस लेना चाहते हैं तो सोलह महीने की कंपाइलेशंस आपको सिक्स एट्टी में मिल जाते हैं बारह महीने के फाइव में आठ महीने के तीन सौ पैंतालीस में और चार महीने के एक सौ पिछहत्तर में ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती हैं और आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें वहाँ से आप ने अगर किसी भी वीडियो कोर्स में हमारे एनरोल किया हुआ है तो आप वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं बाकी हमारे आईना सीरीज़ के जो मंथली फुल कोर्सेज़ हैं जहाँ पर आपको ये सारे वीडियोज़ एड फ्री मिल जाते हैं हाई आर्टिकल्स मिल जाते हैं एच क्वालिटी में और हाई रेजोल्यूशन क्वालिटी में और साथ ही साथ इंग्लिश के पी आपको मिलते हैं अगर आप इनमें इनरोल करना चाहें तो यू कैन डू दैट ठीक है मंथली थ्री मंथ सिक्स मंथ्स के इस तरीके के हमारे पास कोर्सेज रहते हैं आप जिसमें भी चाहें वो इनरोल कर सकते हैं ठीक है और बाकी जाने से पहले मैं फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारा जो ये पाँच अक्टूबर से शुरू होने वाला सी का कोर्स है इसका इनरोलमेंट अट्ठाईस सेप्टेम्बर को बंद होगा एक हफ़्ते के लिए एनरोलमेंट और ओपन कर दिया गया है ओनली एट ट्रिपल नाइन आपको ये बैच प्रोवाइड किया जा रहा है इसमें अभी भी कोई प्राइस राइज नहीं है तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द एनरोल कर लें और बहुत ज़्यादा डीले ना करें क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद अब यह एनरोलमेंट ओपन ना हो ठीक है तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसमें एनरोल आप लोग कर लें और आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं और अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प मिलती है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें कुछ ना कुछ अमाउंट सो दैट कि हमारे भी थोड़ा सा हेल्प होगी और ये सेशंस आपके लिए लंबे समय तक यूट्यूब पर चल सकते हैं तो मेरी आप लोगों से सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करने की कोशिश आप लोग ज़रूर करें तो चलिए अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपके जो भी क्वेरीज हैं जो डाउट्स हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं या अदरवाइज भी आप अपने कोई और सजेशन फीडबैक देना चाहें या अपनी कोई भी बात हम तक पहुँचाना चाहें तो कमेंट्स कर सकते हैं चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर कर लें अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी करवाएँ आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके और साथ ही साथ हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको हमारे करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप इसको करंट अफ़ेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या इस क्यू कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज के साथ तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ थैंक यू हैव नाइस डे बाय